प्रतापपुर जंगल में आज अज्ञात सबके अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। सबकी शनाख्त बीते 29 जनवरी को गायब हुए 10 वर्षीय ऋषु कश्यप के रूप में हुई। जैसे ही खबर लोगों को पता लगी तो लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और सड़क किनारे खड़ी आरोपी की कार में आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि ऋषु बीते 29 जनवरी को घर से अपने पिता के होटल जाने के लिए निकला था, तभी रास्ते से वह गायब हो गया था। तब से पुलिस लगातार ऋषु का पता लाश में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था, जिसके बाद लोगों ने भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए थाने का घेराव किया था। इसी दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रतापपुर के रहने वाले विशाल ताम्रकार और शुभम सोनी से जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ऋषु के सब के टुकड़े जंगल से बरामद कर लिए। वंदे भारत से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा 10 साल का था और काफ़ी चंचल था, सभी से उसका जुड़ाव था, तो लोगों में उसके प्रति एक भावना थी, जो कि आज उसी का आक्रोश कुछ देखने को मिला है। तो सामने घड़ी कुछ गाड़ियों में कुछ छोटी मोटी आगजनी की घटना हुई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस मौके पर उपस्थित थी, तो सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया गया है। और सभी से ही सख्त शब्दों में भी कह दिया गया है कि इस तरह से कोई भी घटना आगे घटित होती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी उपद्रव कर रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी सैड थे, दुखी थे, तो कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है यहाँ और पुलिस मौके पर क्योंकि उपस्थित थी तो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला गया है और घर वालों से SDM मैडम और मेरे द्वारा घर वालों से मीटिंग भी की गई है, उनसे बात भी किया गया, उनका बात सुना गया और अपनी बात भी हमने रखा है, तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा और शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा शहर के नगरवासियों से भी।